पेट्रोल पंप पर फ्रेंड्स हम सभी जाते हैं और जाकर अपना जो हमें फ्यूल भराना होता है, जैसे पेट्रोल डीजल जो भी हमें हमारी गाड़ी में फ्यूल भरवाना होता है वो हम भरवा के वहाँ से चले आते हैं। क्या कभी हम ये भी जानते हैं कि हमें कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल पंप की तरफ से हमें प्रोवाइड की जाती है, या कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो पेट्रोल पंप की तरफ से कस्टमर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है, और अगर कोई भी पेट्रोल पंप पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज नहीं दी जाती है या नहीं होती है तो आप उस पेट्रोल पंप की कंप्लेन भी कर सकते हैं और कंप्लेन करने पर वो पेट्रोल पंप बंद भी हो सकता है। आज के यहाँ इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि पेट्रोल पंप पर फ्री में दी जाने वाली 10 इंपॉर्टेंट सुविधाएं। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट गौरव सैनी स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडवोकेट गौरव में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पेट्रोल पंप पर फ्री में दी जाने वाली 10 ऐसी सुविधाएं जो कि सभी पेट्रोल पंप्स पे होनी चाहिए। अगर किसी पेट्रोल पंप पे ऐसी सुविधाएं आपको नहीं दिखाई देती है, नहीं मिलती है या पेट्रोल पंप की तरफ से प्रोवाइड नहीं कराई जाती है तो आप उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं और कंप्लेन करने पर ऐसे पेट्रोल पंप को बंद भी किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं पेट्रोल पंप पर फ्री में दी जाने वाली 10 ऐसी सुविधाएं। सबसे पहला आता है फ्रेंड्स हवा भरना। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसलिए मतलब पेट्रोल पंप पर आप अपने व्हीकल में टू व्हीलर फोर व्हीलर जो भी कोई व्हीकल है उसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट आप हवा भरवा सकते हैं। सभी पेट्रोल पंप पे हवा भरने की मशीन होनी चाहिए और उस पर एक पेट्रोल पंप की तरफ से एक एम्प्लॉय होता है जो आपकी गाड़ी में हवा भरता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके लिए पेट्रोल पंप का मालिक आपसे किसी भी तरह की अगर पैसे की मांग डिमांड नहीं कर सकता। अगर वो आपसे पैसों की किसी तरह से कोई पैसों की डिमांड करता है तो आप रिलेटेड कंपनी में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। बाद में जो दूसरी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दी जाती है उसमें आता है पीने का शुद्ध पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, सभी पेट्रोल पंपों को लोगों की सुविधा के लिए पीने के लिए शुद्ध पानी की सुविधा देनी होती है। इसके लिए पेट्रोल पंप के मालिक को आरओ मशीन वाटर कूलर खुद की तरफ से लगाना होता है। अगर ये सुविधा नहीं मिलती है तो आप उस रिलेटेड कंपनी में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में जो थर्ड फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधा दी जाती है फ्रेंड्स वो होती है फर्स्ट एड बॉक्स। फ्रेंड्स सभी पेट्रोल पंप पर फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, ये आप उसकी डिमांड भी कर सकते हैं, जिसके अंदर की बैंडेज होनी चाहिए, दवाई होनी चाहिए और दवाई अगर है तो वो एक्सपायरी डेट की नहीं होनी चाहिए, ताकि अगर आपको कभी किसी सिचुएशन में कोई किसी दवाई की फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़े तो आप वो वहाँ से उसमें ले सकते हैं। और अगर ऐसा कहीं आपको नहीं मिलता है तो आप उस रिलेटेड कंपनी में उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो फोर्थ फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी आती है उसमें आता है फ्रेंड्स वॉशरूम की फैसिलिटी। सभी पेट्रोल पंप्स पर फ्री ऑफ कॉस्ट वॉशरूम की फैसिलिटी होनी चाहिए। वॉशरूम हमेशा साफ़ सुथरे होने चाहिए। लेडीज़ और जेंट्स के वॉशरूम अलग अलग होने चाहिए। सब पे साइन बोर्ड होना चाहिए कि ये लेडीज़ का वॉशरूम है, ये जेंट्स का वॉशरूम है। अगर कहीं पे वॉशरूम की फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है तो आप उस सच रिलेटेड कंपनी में उस पेट्रोल पंप की कंप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद में जो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी मिलती है फ्रेंड्स वो होती है फ़ोन कॉल की सुविधा। पेट्रोल पंप पर दी जाने वाली सुविधाओं में एक फैसिलिटी फ़ोन कॉल की फैसिलिटी भी होती है। अगर आप रास्ते में कहीं फंस जाते हैं और आपका फ़ोन भी कहीं काम नहीं कर रहा है तो आप पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ से जिसे चाहें उसे एक फ़ोन कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाकर अपनी उनसे हेल्प मांग सकते हैं तो वो आपको फ़ोन कॉल के लिए मना नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में जो एक फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी दी जाती है वो होती है शिकायत बॉक्स या कंप्लेंट रजिस्टर। पेट्रोल पंप की फैसिलिटी या इसके किसी एम्प्लॉय की किसी तरह के अगर आपको कोई कंप्लेन करनी है या पेट्रोल पंप की किसी प्रकार से कोई कंप्लेन करनी है या कोई आपको कुछ उसमें कोई सुझाव हो तो आप उस रजिस्टर में या उस शिकायत बॉक्स में भी उसको डाल सकते हैं और आप इसमें अपनी शिकायत उस रजिस्टर में आप अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद में जो पेट्रोल पंप पर फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाने वाली सुविधाओं में आता है पेट्रोल और डीजल की रेट जानने का अधिकार। इसके लिए इसमें आता है फ्रेंड्स कि आप पेट्रोल और डीजल की जो रेट चल रही है वो पेट्रोल पंप पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखी होनी चाहिए। अगर आपको ये रेट्स बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई ना मिले तो आप इसकी कंप्लेन भी रिलेटेड कंपनी में कर सकते हैं। इसके बाद में आती फ्री ऑफ कॉस्ट जो फैसिलिटी दी जाती है फ्रेंड उसमें आता है फायर सेफ्टी डिवाइसेस, जैसे कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पेट्रोल पंप पर लगे होने चाहिए, मिट्टी से भरी हुई बाल्टियां होनी चाहिए। अगर सपोज कभी कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जिसमें आप ये सपोज कहीं कोई आग लग जाती है तो उसमें फायर एक्सटिंग्यूशर होने चाहिए, मिट्टी से भरी हुई रेत की बाल्टियां होनी चाहिए ताकि उस आग जब वो इंसिडेंट ऐसा हो तो उस टाइम पे आप उनको यूज ले सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स पेट्रोल पंप पर जो फ्री में दी जाने सुविधाएं हैं तो नेक्स्ट फैसिलिटी आती है बिल लेने का अधिकार। जब आपकी गाड़ी में आप फ्यूल डलवाते हैं, आप पेट्रोल डीजल जो भी डलवाते हैं, उसके बाद में आप उस एम्प्लॉय से पेट्रोल पंप के एम्प्लॉय से आप आपके पेट्रोल जितने का आपने पेट्रोल डलवाया उतने पेट्रोल के बिल की आप उससे डिमांड कर सकते हैं। वो आपको मना नहीं कर सकता और उसे आपको आपके जो फ्यूल डलवाया है उसका पेट्रोल का बिल आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में
हमें दी जाने वाली फैसिलिटी आती है वो आती है पेट्रोल की क्वांटिटी और क्वालिटी मापने का अधिकार। पेट्रोल और डीजल को मापने के लिए 5 लीटर तक का मापक होना ये मैंडेटरी होता है फ्रेंड्स। कि मतलब हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल को नापने के लिए 5 लीटर का एक मापक होना चाहिए, ये बिल्कुल मैंडेटरी है। इसकी क्वालिटी के चेक करने का भी राइट है। अगर कोई भी मालिक आपको इससे मना करता है तो आप उस कंपनी में रिलेटेड कंपनी में इसकी कंप्लेन कर सकते हैं, पेट्रोल पंप के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये सारी फैसिलिटीज़ थी जो कि हमें जानना बहुत ज़रूरी था कि पेट्रोल पंप अब हम जब भी जाते हैं तो सिर्फ अपना पेट्रोल डीज़ल लेकर वहाँ से चले जाते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। और अगर सपोज़ कभी हमें कहीं किसी पेट्रोल पंप ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है तो हम उस पेट्रोल पंप से रिलेटेड कंपनी में इसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं, जिस पर उस पेट्रोल पंप के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। फ्रेंड्स ये था आज का हमारा वीडियो, पेट्रोल पंप पर फ्री में दी जाने वाली टॉप 10 सुविधाएं। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को शेयर करें ताकि उन्हें बताएं कि पेट्रोल पंप पर उन्हें ये सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद फ्रेंड्स।